नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे पेमेंट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, उसके बाद खुद एनालिसिस करिएगा कि क्या रियल में ऐसा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब साल 2015 या फिर 13 में जो है, जब पेटीएम लॉन्च हुआ था, 2015 में जब फोनपे लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो क्या किसी ने सोचा था कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि सभी चौराहे पे सभी दुकानदारों के पास फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसा जो है एक लोगो होगा, और लोग जो है सिर्फ अपने मोबाइल से केवल स्कैन करेंगे और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ तक कि किसी को जो है पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मोबाइल उठाया, ठीक है, लोगों को स्कैन किया और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों कभी लोगों ने ये नहीं सोचा था, लेकिन दोस्तों वही चीज़ है ना कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, और जो, ठीक है, जो अपने आप को चेंज करेगा दोस्तों, वही आगे जरूर, ठीक है, फायदा पाएगा। तो दोस्तों हम आज यहाँ पे एक बहुत ही डीपली यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जो है एक नया पेमेंट आया हुआ है जिसका नाम है पे बिट पाई, और पे बिट आई का फ्यूचर क्या है, चलिए इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप एक पाइनियर्स हैं पाई कॉइन का माइन करते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों आप बताइए कि जब 2013 में पेटीएम, गूगल पे, फोनपे आया था दोस्तों, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ यूजर्स जो है बहुत कम थे दोस्तों, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ यूजर्स बहुत कम थे। देखिए पेटीएम जो है 2010 में दोस्तों वहाँ पे लॉन्च हुआ था, उस समय जो है बहुत कम जो है लोग दोस्तों, ठीक है, पेटीएम को यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, लोग इसको प्रचलन में यूज करने लगे और अधिक से अधिक लोग धीरे धीरे क्या हो गए दोस्तों, जुड़ते हुए चले गए, ठीक है ना। और आज ऐसा समय आ गया दोस्तों कि आज जो है 9.7 या फिर 10 करोड़ से अधिक यूजर्स जो है फोनपे, पेटीएम, गूगल पे यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप खुद देखते होंगे कि हर गली में आपको फोनपे, गूगल पे मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी समय के साथ सबको रिप्लेस कर देती है दोस्तों। कि एक जमाना था दोस्तों कि लोग जो है पैसे, ठीक है, पैसे लेते थे, ठीक है, मतलब कि लोग के पास क्या थी, क्वाइन होते थे जो है, ठीक है ना। क्वाइन से बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो है पेपर मनी आ गई। पेपर मनी दोस्तों अब डिजिटल मनी जो है यहाँ पे आ चुकी है, और डिजिटल मनी जो है अब बहुत ही तेजी के साथ क्या दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत तेजी के साथ यहाँ पे प्रचलन में आ रहे। दोस्तों हम यहाँ पे आज जिस टॉपिक की बात करने आए दोस्तों, उसका नाम है पे बिट पाई। पे बिट पाई का फ्यूचर क्या है दोस्तों, क्यों जो है पे बिट पाई जो है बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने वाला है, इसके पीछे हम आपको एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल जो है, ठीक है, रीजन देने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी कंट्री है ना, वहाँ की सरकारें जो है ना अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करती हैं हर साल, न जाने कितने नोट छपते हैं, ठीक है, न जाने कितने नोट फट जाते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों पाई क्वाइन की या फिर पाई नेटवर्क दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि केवल और केवल 100 बिलियन पाई क्वाइन ही, ठीक है, केवल होंगे, जब तक रहेगा पाई दोस्तों 100 बिलियन ही होगा, और हमेशा जो है कुछ ना कुछ क्वाइन जो है, ठीक है, बर्न भी होते रहेंगे, मतलब कि उनकी सप्लाई क्या होगी दोस्तों, कम होती रहेगी, मतलब कि समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दोस्तों, पाई क्वाइन की सप्लाई क्या होगी दोस्तों, कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इसका डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सप्लाई कम होती चली जाएगी। सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, डिमांड किसी भी चीज़ की अगर बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। हाँ दोस्तों, तो उसके पीछे यही रीजन है कि अभी पाई क्वाइन जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, नहीं है, लोग बहुत कम यहाँ पे अभी माइन कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब 10 करोड़ या फिर 20 करोड़ से अधिक लोग इसको यूज करना चालू करेंगे, तब आपको आपको भी पे बिट पाई का लोगो सभी दुकानों पे मिलेगा, और आप केवल और केवल पाई क्वाइन से पेमेंट
ठीक है ना, शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों पाई क्वाइन क्या है ना, यहाँ पे एक लिमिटेड है, ठीक है ना, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठीक है कॉइन्स नहीं है। जो है जितना कॉइन जो पहले माइन करके रख लेगा दोस्तों, वही बाद में यहाँ पे फायदा पाने वाला है। दोस्तों कल जो है यहाँ पे पाई को टीम ने यहाँ पे एक पाई फेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उस पाई फेस्ट में क्या हुआ था, पे विथ पाई लोगों जो है मैक्सिमम जितने भी शॉपकीपर्स थे अपने जो है ठीक है अपने शॉप में एज ए पेमेंट ग्रुप में पाई कॉइन को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे शॉपकीपर्स जो है ठीक है यहाँ पे आए, नियर अबाउट 80,000 शॉपकीपर जो है अपने शॉप में जो है पेमेंट के रूप में ठीक है ना पाई कॉइन को एक्सेप्ट किया है। उसी में दोस्तों हम आपको कुछ जो है यहाँ पे ठीक है दिखा रहे हैं, आपको इमेज के जरिए आप खुद समझ जाएंगे कि पाई क्वाइन का फ्यूचर क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे दोस्तों वेजिटेबल का जो है ठीक है सेलर है दोस्तों, पे विथ पाई के थ्रू, देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे आप पे विथ पाई से कोई भी वेजिटेबल आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों तो आपको यहाँ पे विथ पाई का लोग मिल जाएगा, ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे किराना की दुकान में कोई भी चीज़ पे विथ पाई से ले सकते हैं, मतलब पाई क्वाइन से। दोस्तों ऐसे देखिए ये आपका वियतनाम, दोस्तों वियतनाम में दोस्तों यहाँ पे विथ पाई के लोग लगा हुआ है, मतलब कि धीरे धीरे क्या है दोस्तों ये सभी जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक मॉल है ठीक है, वहां पे भी दोस्तों ये पे विथ पाई का ऑप्शन आपको मिल गया है। ठीक है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, पे विथ पाई भी यहाँ पे लग चुका है, आप स्कैन करिए पाई क्वाइन ठीक है पेमेंट करिए और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी बहुत जगह दोस्तों ठीक है लोग इसको हमेशा देखिए यहाँ पे काफी टी है दोस्तों, और हाँ बहुत जल्द ये भी हो सकता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनी भी पाई क्वाइन से ठीक है ना अपना पार्टनरशिप कर लें और एज ए पेमेंट के रूप में पाई क्वाइन को एक्सेप्ट करना चालू कर दें। दोस्तों यकीन मानिए ये हो सकता है, क्योंकि पाई को टीम का जो मेन साइंटिस्ट है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट है, जो कि ऑलरेडी अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म वहीं से उनके आते हैं, ठीक है ना। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे लोग मतलब कि मैक्सिमम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और ये देखिए ज्वेलर्स ज्वेलर्स भी जो है दोस्तों काफी अधिक यहाँ पे आगे आ रहे हैं, ठीक ना, पे विथ पाई। दोस्तों ये देखिए इसे दोस्तों हम कह सकते हैं कि पाई का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, और आगे आने वाले समय में आप खुद देखो दोस्तों कि पाई का कितना अधिक यहाँ पे क्रेज होने वाला है। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।